नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। मैं हूं आपके साथ नासिर खान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बाबा राघवदास भगवान दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय बरहज के बाबा राघवदास सभागार में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्षा अंजू चौधरी की अध्यक्षता में गुरुवार को मिशन शक्ति योजना अंतर्गत आयोजित उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के तत्वधान में महिला जन सुनवाई एवं जागरूकता चौपाल लगाया गया। मुख्य अतिथि अंजू चौधरी का महाविद्यालय आगमन पर एनसीसी कैडेट व प्राचार्य डॉक्टर अजय मिश्रा द्वारा स्वागत किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि ने महाविद्यालय के प्रांगण में स्थापित माँ सरस्वती की प्रतिमा पर श्रद्धा के फूल चढ़ाए और आशीर्वाद प्राप्त किया। बाबा राघवदास सभागार में मुख्य अतिथि पीठाधीश्वर आजनय दास व उप जिलाधिकारी सुमित यादव के द्वारा माता सरस्वती के चित्र पर फूलमालाएं चढ़ाए गए और स्वागत के परिप्रेक्ष्य में दिव्यांशी का दुबे का कुमकुम उपाध्याय ने हजारों की संख्या में उपस्थित महिलाओं व संभ्रांत अतिथियों का अपने स्वर लहरियों से सरस्वती वंदना व स्वागत गीत गाकर मन को मोह लिया। जबकि कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर अजय मिश्र रहे। मुख्य अतिथि के द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को समाज में उनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य हेतु शौचालय की चाबी प्रदान की गई और महिलाओं ने अपनी समस्याओं को मुख्य अतिथि अंजू चौधरी के समक्ष प्रस्तुत किया। इस दौरान एसडीएम सुमित यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, तहसीलदार सतीश कुमार, नायब तहसीलदार जितेंद्र सिंह, बीडीओ आलोक दत्त उपाध्याय, डॉक्टर संजय चंद्र, अशासी अधिकारी चंद्रकृष्ण पांडे, थानाध्यक्ष जयंत सिंह, कस्बा इंचार्ज राकेश पांडे, पीठाधीश्वर आजय दास, सावित्री राय, विनय मिश्रा, खाद पूर्ति निरीक्षक जुगल किशोर, डॉक्टर दर्शना श्रीवास्तव, डॉक्टर अरुण सिंह, डॉक्टर बीपी पांडे, डॉक्टर अमरेश सिंह आदि संभ्रांत अतिथि उपस्थित रहे। चौपाल कार्यक्रम में जय हनुमान स्वयं सहायता समूह, श्री कृष्णा सहायता समूह, जय अम्बे सेवा सहायता समूह आदि ने प्रतिभाग किया। बरहज से पवन पांडे की रिपोर्ट।